हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के प्रत्याशी कुलदीप राय दुबे जी, और रोड का काफी ज्यादा यहाँ पर मसला था गाय गोदर में, आज इन्होंने जो है वो शुरुआत की है और आज वहाँ पर ही आया। जिन लोगों ने कहा था कि हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, रोड नहीं और वोट नहीं, तो उनके साथ बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से लोगों को आश्वासन दिया गया है, काफी ज्यादा रोड? लोग बहुत होशियार लोग हैं यहाँ, इन लोगों का बहुत ही इनके साथ बेइंसाफी हुई है, भगवान करेंगे और ये रोड जो है ये जल्द से जल्द पहला रोड अगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आएगा तो वो गाय का है। लोग काफी ज्यादा नाराज हैं, फिर कोई नाराज नहीं है, सब ठीक ठाक, कुछ नहीं दिया लोगों को, सब ठीक है, पूछिए कुछ नहीं दिए, पूछ लो। पहला रोड इन लोगों को मिला, पहला रोड जो है गाय को ये रोड बनेगा। और एमपी साहब आए थे, जुगल किशोर आए नहीं थे, हमें हमें एमपी इलेक्शन में मैंने नहीं, लोगों ने इलेक्शन बाइकॉट कर दी थी। 3:30 बजे तक कोई भी वोट नहीं पड़ा था। मैं क्यों करता था लोगों को मजबूर? जब लोगों को मैं पहले का उधार नहीं दे पाया तो मैं लोगों को नहीं बोल सकता था कि आप वोट डालो। फिर DDC मैडम जहां पे आई और DDC भी लोगों ने आश्वासन दिया कि एमपी साहब से बात करवाई, एमपी साहब से बात करवाई कि आपका थोड़े दिनों के अंदर रोड का काम शुरू हो जाएगा। जी हाँ, ये फाइल बनी दी है, ये फाइल दसे लोगों को नहीं, मगर भी कोई ऐसा आदमी नहीं लगता कि जड़ा इस फाइल का पीछा किता हो कुछ। एक मिनट, राजू ने जरूर किता होना। मेरा आखने का मतलब यह है कि एक कुंदी असेंगी इस जैनित क्यों असें बाहर जाना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी हुआ जब कोई भी सरकार हो, हाई गवर्नर रूल है या कोई भी आंदा है, समस्या सारे दी है, रोड नहीं तो कुछ भी नहीं। तो साई गुलाबगढ़ के हर कोने बिच जाओ, रोड़े दे जाल, ये साड़ा बिंडा तू अगे टपो, 14 कोला पहले कुदा रोड नहीं। आज तुस तो दिखो मता ठाकरा कोट का पूरा टकी कोट नाड़कोट प्राण कोट दी सड़क सैंक्शन हो रही, बिल्कुल ठप पे दी ही। जदू वाजपेयी साहब है अदू दियां सैंक्शन जेडियां रोड़ां हियां वाज दिन तोड़ी हियां रहियां। आज जाओ देखो तुस टक्की कोट जाइए गड्डी जिहड़ी उत्थे पुज्जी है। मेरा आखने का मतलब यह है कुछ साड़ा भी कसूर है और कुछ बाकी मुलाजमें का भी कसूर है। आखदे आकम कमजोर होए ते काम नहीं चलता, आकम तकड़ा होए ते सारा किसे दा काम चलता। ये तुसें जिहड़ी गल दसी है इत्थे मी नहीं लगती कोई कोई बड़ी गल है, सड़क का तो कोई मसला ही नहीं है। सड़क जिहड़ी है ये तुसें थोड़े दिन च बनग, मैं जीता जां हारां जो मर्जी होवे, मगर ये सड़क का भी पता है सारा। मैं इहदी फाइल भी दिखी दी है, मैं सैक्टर दे विच ये जिहड़ी फाइल ही ये नवाड़ विच है, मी याद आई है उहे रोड है जिथे एजिटेशन हुई। ठीक है, इथू दा DC साहब ने रिकमेंड भी किया था, उन्हें रिकमेंड किया था, मगर एदी अजे सैंक्शन कुदे उथे नहीं, मैं नहीं दिखी, उनी है आई ही होग, हुण आई होग, मगर इस साल दे विच मेरा ख्याल है नहीं आई। देखो अभी मन तो कोई भी नहीं बनाया है, आश्वासन दिया है मंगू शाह जी ने और वोट तो पब्लिक ने मान डालने हैं, पब्लिक को जैसा लगेगा वैसा ही होगा। अभी तो आश्वासन तो पहले भी सरकारें आई हैं, देख के चले जाती हैं, तो इनको भी देख लेते हैं क्योंकि ये इनका क्या कहाँ तक है। इतना बोला है कि पहला रोड जब भी होएगा तो कतिमार तक आपका ही पहले टेंडर होगा। कुलदीप राय दुबे आए हैं, यहाँ पर आश्वासन आपको दिया गया है, तो क्या लगता है कि आपका रोड जो है वो बन जाएगा, क्या मन बनाया आपने? भैया आश्वासन तो उन्होंने दिया है, पर ये हम कह नहीं सकते वो रोड बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। अगर वो हमारा रोड नहीं बना, हम बोर्ड आज के बाद कभी डालेंगे, कभी नहीं डालेंगे, बस बोर्ड इस बार दे देंगे हम, पर ये नहीं कह सकते वो रोड बनाएंगे। जो भी पहले आता है वो कहता चाहिए कि हम रोड पक्का बनाएंगे। कहा गया इन्होंने आवाज, अब इन्होंने आज कहा कि हमारा हम आपका रोड पक्का बना देंगे, आश्वासन मिला यकीन है अब बन जाएगा रोड। उन्होंने तो कहा अब क्या बताए, यकीन तो हम पहले भी करते ही आए हैं, अब उन पर ही डिपेंड है वो बनाते हैं कि नहीं। उन्होंने कहा कि हम रोड आपका बनाएंगे, अगर पहले मतलब मेरी जीत के बाद जो भी पहला रोड आएगा वो आपका ही आएगा। गल इयां सारे आश्वासन गै दिंदे जिहड़े आए, चलो ये आए न अज कुलदीप राय दुबे, और चलो इन्हें वोट पाई दिखने अस जेकर साड़ी गल का मसला हल करी सकदे न, नहीं तो उहा पुराना हल घर होना इत्थे, जिहड़ा भी कोई बीमार होया जां जियां मंदा थका बच्चे स्कूल जाना उहा पुरानियां दिक्कतां आउणियां न, दो बंदे उहने बर्दी लईए कन्नै जान छोड़ंगन ते जिलाना उहड़े लैण जांगन, ते बीमार कोई होइया 10 घर झांकने पौणे चुक्कियै लैणे नहीं,
बस इयै इंदे पर इयै उम्मीद करने आं भाई अस भी इनें भाषण दिन्ने आं कि भाई वोट पागे मगर ये इ भी असें गी समझौता करन साढ़े कन्नै रोड दा रोड साढ़ा बनना चाहिए। कितनी समस्या आ दी रोड दी? मेन समस्या साड़ी रोड दी है। पहले एम पी इलेक्शन जिल्ले हुई ही उन्हें आख्या तुस असीं वोट पाओ एक महीने बाद अस तुहाडे कोल होगे। एम पी साहब अज तक नहीं आए, ओहदे बाद अज मंगू शाह होर आए इत्थे, उन्हें भी आश्वासन असीं दित्ता तुस वोट दिओ अस रोड दा काम जल्दी तो जल्दी लागे। छोटे बच्चे लेइए चुकी अस रोड तक पहुंचाने, साडे बच्चे भी रोंदे जांदे ते अस भी रोंदे जांदे आ सुबह 8 बजे अस बच्चे रोड बिच पजाने होंदे न। दिखाओ तुस रोड दी केड़ी हालत है, चिकड़े च कियां बच्चे जंदे होंगे। जो मंगू शाह जी आश्वासन दिया है अब जनता से बात करते हैं शाम को, क्योंकि जनता की क्या आवाज है जनता के हिसाब से ही चलना है। नहीं आश्वासन आपको दिया उन्होंने, रैली थोड़ी छोटी छोटी नुक्कड़ सभा उन्होंने की है, अब विश्वास दिलाया उन्होंने कि वो कहने कहते हैं कि मैं पौनी का ही रहने वाला था पहले। मंगू जी ने तो इतने तक बोला है कि मैं हारूं या जीतूं मगर आपकी रोड बना के छोड़ूंगा। तो आगे अगर रोड नहीं बनती है तो फिर उसके बाद क्या स्टेप रहने वाला है? अगर रोड नहीं बनती है तो हमें लीडरों के गर्मी गिराब करेंगे, हाईवे नेशनल भी बंद करेंगे और जो भी हमारी अपनी पार्टी के ऑफिस होंगे वहां भी गिराब करेंगे ये लोग। और अब जो चुप नहीं बैठेंगे कि हर बार आश्वासन पंच से लेकर एमपी तक हम राजनीति चलाते रहेंगे लोगों के काम नहीं करेंगे तो आप भूल जाओ, लीडर भी भूल जाएंगे ये लोग वो नहीं रहे हैं, अब चुप बैठेंगे, हाईवे भी बंद करेंगे और लीडरों के घरों का गिराब भी करेंगे।